हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ऊर्जा ग्लोबल में दिन पे दिन डाउन जा रहा है? आखिर अब करना क्या चाहिए यहाँ पे? क्या राय है एक्सपर्ट की और फ्यूचर कैसा होने वाला है इसमें? और क्या एवरेज करें? एवरेज का मेरे पास काफ़ी जोरों शोरों से कमेंट आ रहे हैं। हर वीडियो पे दोस्तों एक ही कमेंट आता है, एवरेज करूँ या एग्जिट करूँ। देखो दोस्तों, अगर एवरेज की बात आती है यहाँ पे तो मैं बोल दूँ आपको, एवरेज बिल्कुल आपको अच्छा मौका एवरेज करने का, कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए करना, शॉर्ट टाइम के लिए मत करना। और अभी एक और न्यूज़ आई इसके ऊपर कि ASM लिस्ट की अपडेट आ चुकी है। दोस्तों जो इंतजार था ना आपका, वो इंतजार भी खत्म हुआ है। यहाँ पे आया दोस्तों ASM लिस्ट, दोस्तों अभी स्टॉक बाहर के लिए यहाँ पे मैं बोल दूँ आपको। क्योंकि दोस्तों मैं कल भी कहा था मैंने कि ASM लिस्ट बाहर है, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि यार स्टॉक ASM लिस्ट के अंदर है। देखो दोस्तों, स्टॉक अभी ASM लिस्ट बाहर है यहाँ पे, मैं क्लियर बोल दूँ आपको। अगर कोई अपडेट आती है मेरे पास ASM लिस्ट की तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बात कर टारगेट की शॉर्ट टाइम के लिए, देखो दोस्तों पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे उछाल देखने को मिल रहा है। ऊर्जा ग्लोबल में आपको दोस्तों बहुत जल्द उछाल देखने को मिल जाएगा। टारगेट आपको 25 का लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। अगर स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड है ना आपको, तो मैं आपको बोल दूँ शॉर्ट टाइम में आने वाले इस मंथ के लास्ट तक आपको 25 का टारगेट देखने को क्लियरली मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। धन्यवाद।